जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम भूगोल। भूगोल में हमारे प्राकृतिक विभाजन में दो भाग अभी भी बचे हुए हैं। एक है बघेलखंड का पूर्वी पठार और पाट प्रदेश, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम नया वीडियो चालू कर रहे हैं, उसका नाम है जलवायु। ठीक है, तो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु और मौसम संबंधी कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसको हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। आज हम जलवायु को समझेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जलवायु कैसे बदलता है और इसके कौन कौन से कारक होते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे चार, जो छत्तीसगढ़ में तीन मौसम बनाए गए हैं, वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतु, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आज केवल जलवायु पर चर्चा करेंगे। तो जैसे जलवायु, आपको पता ही होगा कि जलवायु क्या चीज है। तो जो जलवायु है हमारे अरबी भाषा से बना हुआ है। सबसे पहला प्रश्न ये भी बन सकता है कि जलवायु जो है कौन सी भाषा से आया है, तो ये आया है अरबी भाषा से। कहाँ से आया है ये? अरबी भाषा से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है ये जलवायु हमारे? अरबी भाषा से आया है, अरबी भाषा के मौसम से आया है। कहाँ से? मौसम से। ठीक है, जलवायु का मतलब होता है, अरे अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मोटा मोटा ये देखा जाए तो आपको सबसे पहले मौसम क्या है ये समझना होता है। ठीक है, मौसम क्या है ये समझना होता है। तो मौसम जो है, ठीक है, जो मौसम जो है वो क्षणिक रहता है। ठीक है, जैसे आज गर्मी पड़ गया, हो सकता है कल ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर से कल गर्मी हो जाए। जैसे आजकल का मौसम चल रहा है ना, सुबह गर्मी रहेगा, शाम को ठंडी रहेगा, या फिर शाम को गर्मी हो जाएगा तो छूट सुबह ठंडी हो जाएगा। अचानक दिन दिन के समय में बादल साफ है, बाद में अचानक हमारा बरसात आ जाएगा, तो ये होता है मौसम। ठीक है, तो एक गाना भी बनाया है कि मौसम की तरह बदल ना जाना, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा। मौसम का अर्थ होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक, तुरंत बदलने वाला। ठीक है, तुरंत बदलने वाला, ये होता है हमारा मौसम। ठीक है, मौसम का कोई फिक्स नहीं है। मौसम हो सकता है एक हफ्ता तक वैसी रहे, एक महीना तक वैसी रहे, ठीक है, या एक दिन बाद बदल जाए, एक घंटे बाद बदल जाए, दो घंटे बाद बदल जाए, तो ये मौसम होता है। ठीक है, आगे मौसम के बारे में और चर्चा करेंगे। और जलवायु का मतलब क्या होता है, तो इसको समझिए, एक लंबी अवधि तक। ठीक है, यदि एक लंबी अवधि तक पृथ्वी या फिर वायुमंडल में, ठीक है, पृथ्वी या वायुमंडल के मध्य जो ऊर्जा है या फिर जो द्रव्यमान है एक प्रकार का रहता है। ठीक है, या फिर यदि एक ही मौसम बहुत लंबे समय तक रहे, उसको हम जलवायु कहेंगे। या फिर अन्य नाम पर ले रहे तो जलवायु किसी बड़े भूगोलिक प्रदेश का औसत मौसम होता है। ठीक है, जलवायु जो है किसी बड़े, है ना, किसी बड़े भौगोलिक भौगोलिक सॉरी भौगोलिक ठीक है किसी बड़े भौगोलिक स्थल का औसत मौसम होता है। क्या मौसम होता है? औसत मौसम होता है। ठीक है, मौसम जैसे क्षणिक बदलते हैं, इसके विपरीत जो जलवायु है जो बहुत अधिक समय तक रहने वाला है। ठीक है, ये इसमें तुरंत आपको बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, जलवायु किसी बड़े भौगोलिक स्थल या प्रदेश का औसत मौसम होता है। ठीक है, जो आसानी से नहीं बदल सकता। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है कौन सी जलवायु में आता है, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्ण उपोष्ण, है ना, उष्णकटिबंध में आता है। ठीक है, या फिर एक ग्लोब के बारे में बात करें तो आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ आ जाएगा, ये हमारा एक ग्लोब है। ठीक है, ये आपका विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश में चलता है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारा कर्क रेखा होगा, ये 23.5 अंश में है। उसी प्रकार नीचे देखेंगे तो एक मकर रेखा होगा, इस प्रकार से क्या रेखा होगा, मकर रेखा, ये भी 23.5 अंश है लेकिन ये दक्षिणी है। अब सबको पता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच का जितने भी हिस्से है ना, जितने भी हिस्से हैं, ये गर्म स्थल है। क्या स्थल है? ये गर्म स्थल होते हैं, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो धीरे 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 ठंडा होते जाता है, धीरे 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 ठंडा होते जाता है। तो ये अधिक समय तक रहने वाला मौसम है यहाँ पे। ठीक है, यदि हम बात करें कि भारत कुछ इस प्रकार से है, तो भारत पूर्ण रूप से ना तो गर्म है और ना पूर्ण रूप से ठंडा है।
कर्क रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, मतलब वहाँ ठंडा प्रदेश है, और नीचे जैसे ही जाएंगे तो हमको गर्मी का एहसास होने लगता है। ठीक है, गर्मी का एहसास होने लगता है। तो ये क्या एक ही दिन गर्मी लगता है, क्या हमको एक ही दिन ठंडी लगता है? ऐसा नहीं है। तो लगातार 3 से 4 महीना, ठीक है, लगातार 3 से 4 महीना गर्मी और ठंडी हमको बदल बदल कर मिलते रहता है। साथ में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ऊपर में जितने भी आपके देश हैं, यूरोप वगैरह हो गया, उत्तरी अमेरिका के जो देश हो गए, वो ठंडी जलवायु में आते हैं, क्योंकि उसका जलवायु हमेशा ही ठंडा रहता है। इस इधर के जितने भी देश हैं, इधर की जलवायु हमेशा ठंडी रहती है। तो वो मौसम नहीं है, वो जलवायु ही वैसा हो गया है। ठीक है, यदि इन शॉर्ट ये कहा जाए, यदि मौसम ही अधिक समय तक हो और निश्चित समय पर आए, ठीक है, यदि मौसम जैसे बरसात का मौसम लगातार 8 महीना 9 महीना तक वैसी स्थिति रहे, तो वहां की जलवायु कैसे हो जाएगी? बरसाती हो जाएगी। जैसे देखिए, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे जितने भी आपको देश, वैसे बहुत कम देश पाए जाते हैं, केवल दक्षिण अमेरिका पाया जाता है, ज्यादा देश में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ जितने भी स्थल होंगे वहां रोज पानी गिरता है दोपहर के समय, दिन में एक बार पक्का पानी गिरेगा। तो ये ऐसे स्थल क्या कहलाते हैं? हमारे मौसम वर्षा ऋतु वाले जलवायु हो जाएंगे। ठीक है, बरसाती वाले जलवायु होंगे। इसके विपरीत जो ऊपर जो है ग्लेशियर, बहुत ठंडी जलवायु होती है, ऊपर की जलवायु ठंडी हो गई। तो वैसा मौसम जो अधिक समय तक रहता है, ठीक है, वैसा मौसम जो अधिक समय तक रहता है उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु रहता है। मौसम की अपेक्षा ये अधिक समय तक और एक निश्चित समय तक बना रहता है। ठीक है, एक निश्चित समय तक बना रहता है। कितने समय तक? एक निश्चित समय तक बना रहता है, इसको हम कहते हैं जलवायु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जलवायु के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो निश्चित समय तक जो, या फिर बड़े भौगोलिक स्थल में जो जलवायु औसत मौसम होता है, कि हमेशा ठंडी रहना, हमेशा गर्मी रहना, या फिर शुष्क रहना, ठीक है, या हमेशा बरसात होते रहना, तो इसके क्या क्या कारक हैं जलवायु के? ठीक है, यदि हमने ये आपको कह दिया कि मौसम मौसम क्षणिक होता है, लेकिन जलवायु जो है अधिक समय तक बना रहता है, तो उसके कुछ ना कुछ तो कारण होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके कारण पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है कर्क रेखा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। सबसे पहले कारक हो जाएगा हमारा कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के साथ साथ हम इसको अगर सीधा सीधा कर्क रेखा न कहा जाए, तो इसको हम अक्षांश कह सकते हैं। जो अक्षांश है वो सीधे सीधे प्रभावित करता है हमारे जलवायु को। अब ये कैसे? यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये है हमारे 0 डिग्री अक्षांश, ये देख लीजिए, ये मैंने पूरे देश से इसको गुजारा हूँ, 0 डिग्री अक्षांश है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और नीचे आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारे मकर रेखा के नाम से जाना गया। अब देखिए, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक जितने भी, ठीक है, जितने भी देश आएंगे, मोस्टली इसका जो जलवायु है वो गर्म प्रकार का होगा। ठीक है, यदि कहीं पर्वत पठार पाए जाते हैं तो वो एक अपवाद के रूप में, या फिर वो अन्य कारक में गिनती आएंगे, लेकिन जो कर्क रेखा से मकर रेखा तक के जितने भी स्थल प्रदेश आएंगे, वैसे बहुत कम स्थल प्रदेश आ रहे हैं हमारे, ये दक्षिणी अमेरिका है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इतने यहाँ के जितने भी देश आते हैं, ठीक है, इतने में ये हमारे गर्म है। देखिए, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो प्रायद्वीपी भारत है, वो भी हमारे कर्क रेखा के नीचे आता है। इसका मतलब वहां भी गर्म स्थल है। ठीक है, वहां भी गर्म स्थल है। यदि आप अभी तमिलनाडु जाओ, देखिए अभी हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं है, वहीं आप यदि आप तमिलनाडु जाके देखिए, वहां बहुत गर्मी लगेगा। इसके दो कारक है। पहला तो वो 0 डिग्री अंश के आसपास है, या फिर कर्क रेखा और 0 डिग्री के बीच है। दूसरी बात, वो समुद्र तल से भी बहुत पास है वहां का क्षेत्र, इसलिए वो गर्म प्रकार का क्षेत्र वहां पर माना जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? कर्क रेखा, या फिर हमने कर्क रेखा लिखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा के समक्ष जितने भी देश होंगे, या फिर कर्क रेखा से जितने भी होंगे, वो गर्म होंगे। क्या होंगे? गर्म प्रदेश होंगे, वहां की जो जलवायु होगी वो गर्म होगी। ठीक है, वही अगर हम दूसरी बात देखें, जो कर्क रेखा के ऊपर होगा, ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए, जो 65 अंश डिग्री में चलता है, ये वृत्त कहा जाता है, इसको वृत्त कहते हैं ना। तो यहाँ पे जितने भी, ये देखिए, ये देखिए, इतने जो हिस्से हैं ये हमारे ठंडे प्रदेश कहलाते हैं। ये देखिए, ये अपना रशिया है, ठीक
ठीक है, रशिया के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पूरे ग्लेशियर है, ये ग्रीनलैंड देखिए, ये ग्रीनलैंड, ये ग्लेशियर बने हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती है, यहाँ तक सूर्य की प्रकाश नहीं जाने की वजह से यहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी हो गई है। क्या हो गई है? बहुत ही ठंडी हो गई है। शायद ये कलर आपको नहीं दिखेगा, मैं दूसरा कलर से आपको बता देता हूँ, ये कलर आपको स्क्रीन अच्छे से शो नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो क्या है ये? ठंडी प्रदेश में आता है। ठंडी प्रदेश का मतलब होता है यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ठंडी होगी। ठीक है, अब उसी प्रकार आप नीचे भी देख लीजिए, ये देखिए नीचे देखेंगे तो ये अंटार्कटिक है, यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो है इसकी अक्षांश जो है बहुत जीरो तक है। ठीक है, ये 65 अंश से भी नीचे है, ये हमेशा बर्फ से ढकी हुई है, यहाँ सूर्य की प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में आपने क्या समझा कि जितने ही अक्षांश से आप दूर जाते जाओगे, जितने ही आप ध्रुव की ओर जाते जाओगे, पोल की ओर जाते जाओगे पृथ्वी के, आपको ठंडी का एहसास होता जाएगा। और जितने आप जो 0 डिग्री से लेके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यदि कोई भी देश होगा तो हमेशा वो गर्मा का एहसास करेगा। ठीक है, गर्मी का एहसास करेगा, इसीलिए साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के देशों लोगों को देखना, या अफ्रीका जो है ऊपर आपको कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, बीच में विषुवत वृत्त, मतलब पूरा झुंस जाता है पूरे, इसलिए वहां के लोग काले काले होते हैं, है ना। काले होने का वजह से क्योंकि इसमें मेलानिन नाम का जो पदार्थ है उसके शरीर में ज्यादा पाया जाता है ताकि वो उसको यूवी किरण को रोक सके, तो जलवायु की वजह से ही यहाँ के लोग काले होते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक कारण पढ़ लिया, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक। अगला कारक की ओर चलते हैं, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी भी एक महत्वपूर्ण कारण रखता है हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखते हैं, अब छोटे से एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ है, क्या है ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये छत्तीसगढ़ देखिए, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है और इसके उपेक्षा ये देखिए, ये हमारे तमिलनाडु वाला हिस्सा है और ये हमारा आंध्रा वाला हिस्सा है। ठीक है, ये आंध्रा वाला हिस्सा है और ये है मुंबई, ये मुंबई वाला। देखिए छत्तीसगढ़ की अपेक्षा जो मुंबई है, ठीक है, ये मुंबई हो गया, मुंबई आंध्र प्रदेश, ठीक है, मुंबई आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, ठीक है, ये समुद्र तल से काफी पास है। काफी पास होने की वजह से यहाँ जो है, यहाँ की जो मौसम है थोड़ा अजीब है, क्योंकि जो पानी है, ठीक है, जो पानी है जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। जो पानी है, पानी की एक खासियत क्या है तो देख जान लीजिए, पानी की खासियत है ना तो ये जल्दी ठंडी होती है और ना ही जल्दी गर्मी होती है। ठीक है, पानी ना जल्दी ठंडा होता है ना गर्म होता है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से अधिक होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो महाराष्ट्र, जो मुंबई है, यहाँ का जो टेम्परेचर है सिंपली ये मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ के टेम्परेचर से बहुत ही अंतर होता है। कारण क्या है? ये समुद्र तल के पास है। ठीक है, समुद्र तल के पास में होने की वजह से यहाँ की जो टेम्परेचर है वो क्या है? हमारे टेम्परेचर से अधिक होता है। ठीक है, अगर यही देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो तापमान है, जैसे तापमान ना कहा जाए, जलवायु कहा जाए, जलवायु, तो वो सम प्रकार की है ना, या इस कहा जाता है ये महाद्वीपीय प्रकार की है, क्योंकि यहाँ स्थल, क्योंकि स्थल से तो जुड़ा नहीं है, तो ये महाद्वीपीय प्रकार की है, महाद्वीपीय प्रकार की है। ठीक है, कैसा है? महाद्वीपीय प्रकार का यहाँ की जलवायु होती है। क्यों? समुद्र तल से दूर है। अब समुद्र जो जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता, तो देर रात तक आप यदि समुद्र किनारे जाओगे कभी भी तो आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि जल जो है दिन भर गर्म हुआ है और अपनी ऊष्मा छोड़ रहा है, इस वजह से आसपास का जो एरिया है वो गर्मी का एहसास कराता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे समुद्र तल से दूरी। तो समुद्र से जितना दूरी जाओगे, जैसे दिल्ली चले गए, तो दिल्ली का तो तापमान का कारण बहुत सारे हैं। पहला तो ये समुद्र तल से दूरी है, दूसरा आपके ऊपर हिमालय है तो यहाँ ठंडी हवाओं को भी रोक लेता है, और मेनली यही है कि ये समुद्र तल से ज्यादा दूरी होने की वजह से यहाँ की जो तापमान अन्य तापमान से ठंडा रहता है। अब ठंडी के दिनों में आप दिल्ली वाले 12 से 1 बजे तक उठते हैं, जबकि हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है समुद्र तल से दूरी का कारण। अगला है पर्वत या पठार। तो पर्वत या जो पठार है ये भी जलवायु में एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो पर्वत पठार में जलवायु कैसा होगा? देखिए यहाँ पे जितने भी ऊपर के जितने भी हवाएं आती है,
ठीक है, ऊपर से जितनी भी हवाएं आ रहती है, समुद्र जो है, पर्वत जो है, इसको अपने ओर रोक लेता है। यहाँ जितनी भी ठंडी आती है हवाएं, पर्वत उसको रोक लेता है। दूसरी बात, जो पर्वतीय इलाके होते हैं, जो जो पर्वतों में जितने भी राज्य बसे हुए हैं, ठीक है, पर्वतों में जितने भी शहर राज्य स्थल बसे हुए हैं, उसका टेम्परेचर कम होता है। कितना होता है? टेम्परेचर जो है कम होता है। अब टेम्परेचर कम होने का कारण आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, क्यों पर्वतों के कारण टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है। ये देखिए, ये मान लेते हैं पर्वत है और यहाँ पे कोई गांव बसा है या शहर बसा है, ठीक है, तो पृथ्वी गर्म कैसे होती है, इसको आप समझ जाओगे तो आराम से बता दोगे कि पर्वत गर्म क्यों होता है, ठंडा क्यों होता है। ये हमारा सूर्य भगवान है, ठीक है, सूर्य भगवान है, और हम एक पृथ्वी बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ गया। ये ऐसा पृथ्वी हो गया, यहाँ से टेम्परेचर आती है, ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर आती है और टेम्परेचर के जिसे क्रॉस करने के बाद स्थल पर टकराती है, ठीक है। पृथ्वी में बहुत सारे स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल से टकराने के बाद इसकी जो विकिरण है ऊपर निकलती है। इससे पृथ्वी, देखिए पृथ्वी गर्म कैसा होता है, तो पृथ्वी विकिरण की वजह से गर्म होता है। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है टेम्परेचर को अवशोषण करके एक रेडिएशन छोड़ता है, रेडिएशन छोड़ने की वजह से ये रेडिएशन जितने ज्यादा ऊपर होगा, रेडिएशन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसके जो आसपास के जो बादल हैं, ठीक है, वो इस रेडिएशन को सोख लेते हैं, इस रेडिएशन को सोख लेते हैं, इसी वजह से पर्वत के ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतों में जो राज्य बसा है, यहाँ के क्षेत्र में टेम्परेचर की कमी आ जाती है, यही कारण है। आपको लग रहा होगा कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर जैसे एक पर्वत बना है, तो इस पर सूर्य पहले प्रकाश पड़ रहा है या फिर ये सूर्य के हल्का पास में पड़ रहा है, पर सूर्य के पास या दूर से कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। तो यहाँ के जो छत, जो पृथ्वी है, अपना रेडिएशन छोड़ती है और वो रेडिएशन, कुछ कुछ रेडिएशन ऊपर के जो आसपास के जो हवाएं हैं या फिर जो बादल है वो सोख लेते हैं, इस वजह से यहाँ तक के रेडिएशन इसको नहीं मिल पाता, इसलिए ये ठंडा रहता है। तो पर्वत या पठार भी तय करता है कि वहाँ क्षेत्रों में रहने वाले या फिर पर्वतों में रहने वाले प्रदेश या फिर राज्य या फिर जो स्थल है उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, तो वो भी ठंडा प्रकार का रहता है। क्यों? पर्वत या पठार की वजह से। छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ में आपके मैनपाट में जाइए, मैनपाट बहुत ठंडा प्रदेश है, वो लगभग आपके 1000 से अधिक ऊंचा पठार है, ठीक है। कितना यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो 1000 से अधिक मीटर का पठार होने की वजह से वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। अगला देखते हैं, ठीक है। वनस्पति और मिट्टी भी जलवायु को परिवर्तित करती है या फिर एक उसका कारक है, ठीक है, वनस्पति या मिट्टी। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हम राजस्थान से समझते हैं वनस्पति और मिट्टी के बारे में। सबको पता है कि राजस्थान की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, साथ में यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं होने की वजह से यहाँ वर्षा कम होता है। क्या होता है? वर्षा कम होता है, और वर्षा कम होने की वजह से यहाँ रेतीले बन गए हैं, रेतीले या फिर मरुस्थल बन गए हैं, और मरुस्थल जैसी जो मरुस्थल जो है ना, वहाँ की जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाती है, रेत जो है जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाने की वजह से या फिर गर्म रहने की वजह से, ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म रहती है, यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म प्रकार की होती है, गर्म होती है, ठीक है। तो वनस्पति अगर यहाँ पे होता, बात की बात, यदि यहाँ पे वनस्पति होता इस राजस्थान में, तो हो सकता है यहाँ की मिट्टियाँ ठीक होती है ना, हो सकता है यहाँ के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते, अधिक वर्षा वाले भी क्षेत्र होते, ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते तो यहाँ की मिट्टियाँ ठीक होती और यहाँ पानी अधिक होता तो टेम्परेचर भी कम होता, ठीक है। तो मिट्टियाँ वनस्पति भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है। बाकी राज्यों को भी कंपेयर कर लीजिए, बाकी राज्यों में आपके बहुत सारे वनस्पति है ना। अब यहाँ वनस्पति क्यों नहीं है, इसके भी बहुत सारे कारण है, ठीक है। आप एक ही कारण को पकड़ोगे तो आप दिक्कत हो जाएगी आपको, वनस्पति नहीं होने के भी बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ एक अरावली पर्वत कुछ इस प्रकार से खड़ा हुआ है, ठीक है, जबकि जो वायु जाता है वर्षा करने वाला कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल जाता है सीधे, इस वायु को कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ की मरुस्थल है और मरुस्थल वजह से वनस्पति नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ गए। और जहाँ वनस्पति अधिक है, देखिए इधर हम इधर के क्षेत्र में वनस्पति अधिक है, तो यहाँ अधिक वर्षा होती है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ वर्षा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ की वनस्पतियाँ बहुत अधिक है और वनस्पति जो है बादल को अपने ओर खींच कर ले आता है। मैं बहुत कम लिख रहा हूँ, आप देख देख के पढ़ते रहिएगा। अगला है स्थलखंड और जलखंड से चलने वाली हवाएं, ठीक है। तो ये भी जलवायु को बहुत ज्यादा
प्रभावित करती है स्थल खंड से चलने वाली हवाएं। जैसे अब सबसे पहले हम कल चलते हैं जल खंड से, ठीक है, तो ये जल खंड है, ये जल है, ठीक है, ये आपका देख लिया, ये हमारे बंगाल की खाड़ियां हैं, ये बंगाल की खाड़ियां हैं। तो यहाँ से जितनी भी हवा चलेगी, जैसी इसको नमी ग्रहण करेगी, है ना, यहाँ से वायु चलेगी तो ये नमी ग्रहण करेगी और ये वर्षा करेगी, ठीक है। तो वर्षा वजह होने की वजह से यहाँ की जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी बात, यदि थोड़ा बहुत थोड़ा नमी रहा तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण प्रकार की रहेगी, है ना, उपोष्ण प्रकार की रहेगी। उसी प्रकार जो स्थलखंड से जलवायु चलती है वो भी जल, जो स्थलखंड से जो हवा चलती है वो भी जलवायु को निर्धारित करती है, ठीक है, वो भी जलवायु को निर्धारित करती है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि एक और बताया था जलधारा वाला, सर मैं तो बताना भूल गया आपको, छठवां प्रकार होता है जलधारा, ठीक है। जलधारा, जलधारा का मतलब है बहुत सारे विश्व में बहुत सारे देश है वहां की जलधारा। मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, यदि यहाँ की जो जलधारा ठंडी जलधारा होती है, मान लेते हैं एक बात, वैसे तो यहाँ की जलधारा ठंडी जलधारा है नहीं, ठीक है, मान लेते हैं यदि यहाँ की जो जलधारा है, जो समुद्र में जलधारा बन रही है वो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पानी नहीं गिर बनेगा, है ना, ठंडी जलधारा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बादल नहीं बनेंगे, वर्षा के बादल नहीं बनेंगे, वर्षा के बादल नहीं बनेंगे तो इतने जितने भी एरिया होंगे आसपास के, जितने भी भूखंड होंगे, ठीक है, आसपास के जितने भी भूखंड होंगे उसमें वर्षा नहीं होगा और वैसे जगह क्या हो जाएंगे, हमारे थार का मरुस्थल बन जाएगा या फिर मरुस्थल बन जाएगा, ठीक है, मरुस्थल बन जाएगा। तो याद रखिएगा दुनिया में जितने भी ठंडी जलधारा है वो पश्चिमी दिशा की ओर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जलवायु संबंधित टॉपिक। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जलवायु कैसा है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के मौसम कैसे हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।